छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद कर दी जाएगी। इसकी घोषणा विधानसभा में मंत्री टंकराम वर्मा ने दी और उन्होंने इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा डाले। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार की राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद होगी। कांग्रेस की इस महत्वाकांक्षी योजना में तब की विपक्षी पार्टी रही बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता में आने पर इसकी जांच करवाने की बात कही थी। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि राजीव मितान क्लब बंद होगा और इसमें हुई अनियमितताओं की जांच होगी। विधानसभा सत्र के दौरान ये बात राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कही। यही बात बीजेपी के कई नेताओं ने भी दोहराई। राजीव युवा मितान क्लब का गठन रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटी से प्रदेश स्तर पर एक संगठन बनाया था, जिसका अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी थे और खेल मंत्री उपाध्यक्ष था। और इसमें जितने भी खर्च हुए हैं, जितने काम हुए हैं, इसमें ऑडिट का प्रावधान है, इनका ऑडिट कराया जाएगा। और पहले भी इनकी शिकायत मिलती थी, जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वैसे ही इस क्लब पर रोक लगा दिए गए हैं और इस आने वाले समय में इस राजीव युवा मितान क्लब को भंग किया जाएगा। सदन में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि राजीव मितान क्लब में 132 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसमें 60 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 40 करोड़ शेष हैं। राशि का दुरुपयोग किया गया है, ऑडिट कराएंगे, जांच में जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार की इस घोषणा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। राजीव युवा मितान ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो नौजवान साथी थे, नवयुवक साथी थे, उनको किस तरह से राष्ट्र की कार्यों में जोड़ना है और शासन के कार्यों को किस तरह से गांव में पहुंचाना है और हमारे सांस्कृतिक, हमारे साहित्यिक कामों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें ट्रेन करने की एक व्यवस्था राजीव युवा मितान के द्वारा की जा रही है। माननीय मंत्री द्वारा इस घोषणा को बंद किए जाने की खबर निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्वक है। मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। राजीव युवा मितान क्लब में भ्रष्टाचार विधानसभा चुनाव के पहले भी चुनावी मुद्दा था और आगामी लोकसभा चुनाव में भी इसके चुनावी मुद्दा बनने के पूरे आसार हैं। ऐसे में चुनौती सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए, जो कोयला, CGPSE, शराब और ना जाने कौन कौन से घोटालों की जांच की आंच में झुलस रही है। आकाश शुक्ला, न्यूज 18, रायपुर।